पीएम नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ दौरे पर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी उत्तराखंड प्रायश्चित करने आ रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को बेवकूफ बनाना, परेशान करना पुण्य तो नहीं है, लिहाजा पीएम के प्रायश्चित में अगर कुछ माफ करने लायक बचा होगा तो बाबा केदार उन्हें जरूर माफ कर देंगे। पश्चिम बंगाल में हो रही सियासत पर हरीश रावत ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा बंगाल में भी यही सब कुछ हुआ है। लोकतंत्र इस तरह नहीं चलाया जा सकता। बीजेपी ने चुनाव के चलते वहां साजिशन हमले करवाए हैं। वही कह रहा हूं जो सबके मन में है। अब यदि संविधान की धज्जियां उड़ाना, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना, देश की जनता से झूठ बोलना और आप चुनाव में अपने विरोधियों के साथ हिंसात्मक भाव रखना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचल देना, ये सब पुण्य है तो मोदी जी को आप पुण्यात्मा कह सकते हैं। और मैं तो कम से कम उनको जो है वही समझूंगा जो उनको समझा जाना चाहिए, और मैं ठीक समझ रहा हूँ और वो भी ठीक समझ रहे हैं, इसीलिए प्रायश्चित के अंतिम अवसर का